भाग से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न। भाग 6, इंटरेस्टिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, पार्ट 6। आज हम सीखेंगे भाग में होने वाली एक गलती के बारे में। जब से वंदना बड़े नंबरों को भाग देना सीखी है, तब से प्रैक्टिस करती रहती है। आज वंदना एक ऐसे ही सवाल को हल कर रही है। वह 408 को 4 से भाग दे रही है। देखते हैं वह सही से हल कर पाती है या नहीं। हमने 5 अंकों की संख्या में भाग दिया है। ये तो सिर्फ 3 अंकों की संख्या है। इसे तो मैं बहुत आसानी से हल कर लूंगी। चलिए अब हल करते हैं। सबसे पहले 408 और 4 को इस तरह लिख लेती हूँ। अब भाग देना शुरू करती हूँ। 4 एकम 4, शेष बचा 0। अब अगले अंक 0 को नीचे लिख लेती हूँ। अरे ये तो अभी भी 0 ही है। अब क्या करूँ? अगले अंक को भी नीचे लिख लेती हूँ। 8 को नीचे लिखा तो अब संख्या हो गई 8। अब सही है, इसमें 8 में 4 भाग दे देती हूँ। 4 से 8 में भाग दिया तो उत्तर आएगा 2 और शेष बचेगा 0। इसका मतलब 4 से 408 में भाग देने पर उत्तर आएगा 12। भाग तो दे दिया, अब इसको चेक करके भी देख लेते हैं कि ये उत्तर सही है या नहीं। ये भाग सही है या नहीं यह चेक करने के लिए मैं 12 में 4 का गुणा करूंगी। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, उत्तर आया 48। अरे ये क्या, उत्तर तो 408 आना चाहिए था। इसका मतलब भाग देने में मुझसे कोई गलती हो गई है। अब मम्मी की मदद लेनी होगी। मम्मी मुझे लगता है मैंने भाग देने में कोई गलती कर दी है, आप मेरी मदद कीजिए ना। देखो वंदना, जब तुम यहाँ पर थी तब तुमने एक गलती की है। अब यहाँ से इसका हल करो। जब आपसे गलती होगी तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं 0 को नीचे लिख लेती हूँ। इस अंक को नीचे लिखने के बाद भी संख्या 0 ही रही, इसलिए अगला अंक भी नीचे लिख लेती हूँ। रुको वंदना। क्या हुआ मम्मी? अब मुझे समझ में आ गया आपने क्या गलती की है। देखो, जब आपने 0 को नीचे लिखा है तो आपको ये सोचना है कि 4 को किस अंक से गुणा करें कि उत्तर 0 मिले। मैं समझी नहीं मम्मी, हमें 0 उत्तर कैसे मिलेगा? हम जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो उत्तर 0 ही मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम 4 को 0 से गुणा कर देंगे और उत्तर 0 प्राप्त कर लेंगे और शेष 0 बचेगा। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। हाँ वंदना, अब पूरा भाग देकर सही उत्तर पता कर लीजिए। अब 8 को नीचे लिख लीजिए और 4 से 8 में भाग देते हैं। उत्तर आया 2, क्योंकि 4 गुणा 2 8 होता है और शेष बचा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 408 में 4 से भाग देते हैं तब उत्तर आएगा 102। क्या अब सही है? तुम खुद ही चेक कर लो। ठीक है मम्मी, मैं 102 में 4 से गुणा करके देखती हूँ। अगर उत्तर 408 आया तो भाग सही है। हाँ, 102 में 4 से गुणा करने के लिए मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ। अब गुणा करती हूँ, उत्तर आया 408। इसका मतलब मैंने सही तरह से भाग दिया है। आज हमने सीखा बड़ी संख्याओं में भाग देने का सही तरीका क्या होता है।